हाउ टू मेक गेमिंग वीडियोस, सीक्रेट हिडन स्ट्रेटजी टू मेक गेमिंग वीडियोस, यही जानने के लिए इस वीडियो पे टाइटल थंबनेल को देखो। तो मैं तुमको आज एक सीक्रेट हिडन टेक्निक बताऊंगा जिसकी मदद से तुम लोग अपने YouTube चैनल के लिए गेमिंग वीडियो को अच्छे से क्रिएट कर सको। अगर तुम लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखोगे ना तो मैं तुम लोग को वीडियो के एंड में ये चीज ऐसा बताऊंगा जिससे कि तुम्हारा गेमिंग वीडियो एकदम तगड़ा बनेगा और उस पर अच्छे खासे एकदम व्यूज आएंगे। और इतना ही नहीं, मार्केट में काफी सारे गेम अवेलेबल हो चुके हैं और होने वाले भी है, तो तुमको किस तरह गेमिंग वीडियोस को बनाना है ताकि तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे उस वीडियो पे व्यूज अच्छे खासे आ जाए। तो अभी तुम लोग जो बात बताने वाला हूं ना, अगर उसको तुम लोग अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हो तो फ्यूचर में तुम्हारे लिए काफी काम आने वाला है। सच बता रहा हूं, काफी काम आने वाला है। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी कहा कि मार्केट में काफी सारे गेम अवेलेबल है, तुम्हारा अभी स्कॉर्पियो 2.0 अभी अल्फा में, वो गेम अभी आने वाला है, यूडब्ल्यू अभी वो गेम आने वाला है, फ्री फायर मैक्स, फ्री फायर इंडिया अभी आने वाला है, उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल है, उसमें भी अभी तुम्हारा कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वर्जन आने वाला है। ये सब फ्यूचर की चीजें, तो कैसे वीडियो बनाना है दोस्तों, कैसे वीडियो बनाना है। उसके बाद अभी इंडस बैटल रॉयल वो गेम भी अभी आने वाला है। तो दोस्तों तुम लोगों को कैसे बनाना है, जो अभी सीक्रेट हिडन स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, इसको तुम लोग अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो सच बता रहा हूं तुम्हारे यूट्यूब वीडियो पे खतरनाक व्यू आ जाएंगे। ठीक, अब देखो तुम लोग यहां पे, तुम लोग का सीक्रेट हिडन स्ट्रेटजी के लिए मैंने कुछ रिसर्च किया कि आखिर क्यों, कैसे, कब गेमिंग वीडियोस को बनाया जाए। तो रिसर्च में मेरे को ये पता चला और मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से तुम्हें बताऊंगा कि तुमको कैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाना है। नंबर वन, देखो मैंने जो रिसर्च किया ना, मैंने काफी सारे यूट्यूब चैनल को रिसर्च किया जो कि गेमिंग वीडियोस बनाते हैं, किस तरह के बनाते हैं, किस तरह के अपने यूट्यूब पे अपने ऑडियंस को रखते और अपने ऑडियंस को समझते हैं। तो भाई तुमको कैसे वीडियो बनाना है, देखो मार्केट में तो काफी सारे गेम अवेलेबल एंड काफी सारे गेम्स आने वाले भी है। तो अगर तुम्हारे लोग का फ्यूचर प्रेडिक्शन है और फ्यूचर प्लानिंग है तो देखो किस तरह से तुम लोग एग्जीक्यूट करोगे अपने वीडियो, देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सबसे पहले दो चीजों पे सबसे ज्यादा गौर किया है। तुम अपने वीडियो को अपडेट के बेस पे ले जाना चाहते हो, मतलब गेमिंग वीडियो में जो भी अपडेट्स वगैरह आएंगे उसको तुम लोग ले जाना चाहते हो, या फिर तुम लोग अपने गेमिंग वीडियो में गेम प्ले वीडियो को ले जाना चाहते हो। देखो लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस तुमको बताऊं ना, तो तुम लोग को स्टार्टिंग समय में, मतलब जब तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो या फिर मिडिल में भी हो, तो ट्यूटोरियल वीडियो पे ज्यादा तुम लोग फोकस करो। तुम लोग को मैं जो चैनल पे मैं रिसर्च कर रहा था, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ यहाँ पे काफी सारे जो यूट्यूब चैनल है ना, स्टार्टिंग में ट्यूटोरियल वीडियो हाउ टू करके ही बनाते हैं। तो तुमको इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है अपने गेमिंग वीडियो को बनाते वक्त। स्टार्टिंग में तुमको कैसे व्यू मिलेंगे, बंदा सर्च करके तुम्हारे चैनल पे आएगा, यूट्यूब रिकमेंडेशन तुम्हारे वीडियो को नहीं भेजेगा, तुमको सर्च से अपने ऑडियंस को, मतलब दूसरे बंदों को अपने चैनल पे बुलाना होगा सर्च करवा करके, तो यानी कि तुमको सर्चेबल टॉपिक बनाना होगा गेम्स में। ये सबसे एकदम सीक्रेट स्ट्रेटजी है। अब दूसरा सीक्रेट स्ट्रेटजी एकदम खतरनाक है, चलो उसको समझते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग ध्यान देना, जब तुम लोग सर्च करके अपने यूट्यूब वीडियो पे बंदे लोग को बुलवाओगे तो उसके लिए तुम्हारे पास काफी सारे सॉफ्टवेयर रहने चाहिए तुम्हारे फोन में, जैसे कि तुम लोग का काइन मास्टर हो गया, तुम लोग का वीएन हो गया, कैपकट हो गया, तुम लोग का यहाँ पे फोकस ऑन हो गया, काफी सारे तुम लोग के पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर होने चाहिए ताकि तुम्हारा जो वीडियो हो ना, गेमिंग वीडियो हो ना, अपडेट रिलेटेड हो या फिर गेम प्ले रिलेटेड हो, चाहे कोई भी गेम्स में हो, इंडस बैटल रॉयल में हो, ना फ्री फायर मैक्स में हो, कॉल ऑफ ड्यूटी में हो, बीजीएमआई में हो, तो अच्छे से एडिटिंग रहना चाहिए ताकि तुम्हारे जो व्यूवर्स आए उसको थोड़ा सा अच्छा लगे। और नंबर टू बात, किसमें तुम लोग का जो वॉइस है, देखो तुम लोग मेरा वॉइस को देखो, अगर अभी तक तुम लोग सुने होगे ना तो तुम लोग मेरे वॉइस की वजह से इतना तुम लोग देख लिए होगे, तो अपने वीडियो में वॉइस को ठीक करो। तुम लोग जो हेडफोन वगैरह मिलता है, ईयरफोन वगैरह मिलता है, उसको तुम लोग लगा करके वॉइस ओवर कर सकते हो। देखो तुम लोग बोलोगे कि मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसके लिए तुम जाकर के यूट्यूब पे अच्छा खासा सर्च कर करके तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। भाई मैंने भी ऐसा ही किया था। एंड नंबर टू बात दोस्तों कि जब तुम लोग अपने वीडियो गेमिंग वीडियो को जब एक्सपोर्ट करते हो तो कोशिश करना 4K में अपलोड करने का, उसका जो रेजोल्यूशन होना चाहिए वो तुम्हारा 4K रहना चाहिए ताकि अच्छा तुम्हारा वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके, और कोशिश करना सर्चेबल बनाने का। एंड और भी काफी सारे टेक्निक्स है गेमिंग वीडियो बनाने का, जैसे कि तुम लोग का यूट्यूब पे अगर तुम लोग न्यू हो तो तुम लोग को 30 वीडियो एकदम खतरनाक खतरनाक बनाने हैं, और 30 वीडियो में से तुम लोग का कोई एक वीडियो वायरल हो जाएगा। ये सब चीजें मैंने स्टार्टिंग में देखे थे यूट्यूब पे जाकर के, तो मेरे को ऐसे ऐसी चीजें पता चली जो कि मैं तुम लोग से सर्च शेयर कर रहा हूँ, और वो भी बीच बीच करके नहीं डालना है, तुम लोग को रेगुलर कंसिस्टेंसी में डालना है 30 वीडियो, तब जाकर के तुम्हारे एक दो वीडियो वायरल होंगे। ऐसे ऐसी चीजें मैंने देखी थी यूट्यूब पे, भाई सच बता रहा हूँ, लेकिन सही बात है, ये दूसरों बंदों के लिए सही बात है, लेकिन मेरा तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ एक दो के चला गया था, के बोल रहा हूँ 1000। और एक सच बात बताऊँ तुम लोग को, एक सीक्रेट हिडन स्ट्रेटजी जो कि मैंने तुम लोग से स्टार्टिंग में वादा किया था, तुम लोग को पता है कि मैं टेक्नो गेमर से जाकर के मिला था। देखो अब उससे मिलने के बाद मेरे को भी तो भाई ये पूछना होगा ना, तो मैंने जाकर तुमसे पूछा था कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है जिसपे मेरा 80,000 सब्सक्राइबर है, तो मैं अपने वीडियो को कैसे वायरल कर सकता हूँ। तो उन्होंने दो एकदम मस्त स्ट्रेटजी बताई थी। नंबर 1 बताया था कि शॉर्ट्स डालो, और दूसरा बताया था कि कंसिस्टेंसी रहो और
अपने वीडियो को सर्चिंग बनाओ एंड कही चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका कमाल, सर्चिंग का कमाल तुमको मैं दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे 38.1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल पे, यानी कि टेक्नो गेमर यूट्यूब चैनल पे जाता हूँ मैं। इनके वीडियोस पे जाकर के मैं पॉपुलर पे क्लिक करता हूँ तो इनका भी लेटेस्ट 3 साल पुराना वीडियो दिख रहा है, ठीक है। काफी सारे 95 मिलियन व्यूज है, 74 मिलियन व्यूज है। बट टेक्नो गेमर ने जब हम लोग ने मतलब उनसे पूछा था और इंटरव्यू में भी देखा था कि टेक्नो गेमर बोले थे कि मैं सर्चिंग डरता था ड्रैगन बॉल वाला वीडियो, मैंने उनका बहुत गया था, ठीक है। ड्रैगन बॉल मतलब कि वो बताते थे, ट्यूटोरियल वीडियो देते थे, सर्चिंग वीडियो देते थे। इसी हिसाब से तुमको अपना सर्चिंग वीडियो स्टार्टिंग में रखना है, बाद में हाँ तुम चेंज करो, लेकिन स्टार्टिंग में सर्चिंग और ट्यूटोरियल रखो, इतना ही नहीं। चलो टोटल गेमिंग चैनल पर चलो, यहाँ पे दिख रहा है 39.6 मिलियन सब्सक्राइबर और इनके वीडियो में जाकर के पॉपुलर पे क्लिक करते हैं तो अज्जू भाई 94 वर्सेस अमित भाई, यानी कि इनका गेम प्ले ही वीडियो चला है शुरू से ही। बट इन्होंने भी अपने मतलब जब इन लोगों का पूछा जा रहा था कि आप पहले क्या वीडियो डालते थे, तो टोटल गेमिंग ने भी अज्जू भाई ने भी कहा था कि मैं पहले ट्यूटोरियल वीडियो डालता था हाउ टू करके, जैसे कि AWM शॉट कैसे मारे, हेड शॉट कैसे मारे, ये सब टाइप मतलब सर्चिंग टाइप डालते थे, ट्यूटोरियल टाइप डालते थे, ठीक है। अमित भाई भी बोलते थे कि मैंने स्टार्टिंग में ट्यूटोरियल वीडियो सर्चिंग में काफी ज्यादा डाला था, तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि सारे के सारे का एक ही सीक्रेट है गाइस, सर्चिंग है। अगर तुम लोग का गेमिंग यूट्यूब चैनल है या फिर तुम लोग गेमिंग वीडियो क्रिएट करते हो तो सर्चिंग ही स्टार्टिंग में बनाया करो। जब तुम लोग से सर्चिंग से तुम्हारे पास ऑडियंस आ जाएंगे, उसके बाद तुम लोग धीरे 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 शिफ्टिंग करो, है ना। राइटस्टार तुम्हारा हो गया, ज्ञान गेमिंग हो गया, लोकेश गेमर हो गया, ये सब पहले डायमंड स्ट्रिक वगैरह बताते रहते थे, ठीक है। अब देखो तुम उनका चैनल कैसे ये कर गया, तो इसलिए मैं तुमको कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में तुम लोग बिल्कुल सर्चिंग पे ही ध्यान दो गेमिंग टाइप वीडियो में। अब देखो वीडियो बनाना है कैसे, वीडियो बनाने के लिए तुम्हारे पास एक बस अच्छा सा फोन होना चाहिए, 8 GB का फोन होना चाहिए, 256 GB का इंटरनल होना चाहिए, हाँ 128 GB भी चलेगा। उसके बाद तुम्हारे पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर होने चाहिए, काइन मास्टर, कैपकट वगैरह, वो सब कैसे होगा मैं तुमको बता दिया ऑलरेडी थोड़ी देर पहले। तो उस सभी में तुम लोग को अब उसके बाद अच्छे से वॉइस ओवर करना भी तुमको सीखना होगा। गेम प्ले में ही तुम लोग वॉइस ओवर करो या फिर गेम प्ले वगैरह रिकॉर्ड कर लो अपने फोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, नहीं तो मोबीजन वगैरह का यूज कर लेना, ठीक है, एक्स रिकॉर्डर वगैरह का यूज कर लेना गेमिंग वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। और एक हेडफोन होता है जो कि फोन में ही फ्री मिलता है, सैमसंग का हेडफोन अच्छा होता है, तो उसमें तुम लोग वॉइस ओवर ऊपर से कर सकते हो। बट हाँ, एडिटिंग स्ट्रैटेजी सीखने के लिए यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख लो, अच्छे से थोड़ा सा एडिट वगैरह कर लो, बैकग्राउंड साउंड भी अच्छा सा तुमको मिल जाएंगे फ्री वगैरह। अगर तुम चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुमको मैं बता दूंगा बैकग्राउंड म्यूजिक गेमिंग के लिए कौन कौन से अच्छे रहते हैं। तो ऐसे से करके तुम लोग अपने गेमिंग वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। रह गई बात है, जब तुम लोग गेमिंग वीडियो बना लोगे तो उसमें टाइटल कैसे लिखे, टैग कैसे लगाए, थंबनेल वगैरह कैसे बनाए, तो मैंने तुम लोग को एक वीडियो दिया था कि जहाँ पे तुमको मैंने बताया था कि कैसे तुम लोग अपने गेमिंग वीडियो में टैग डाल सकते हो। जानना है तो राइट में जो वीडियो आ रही है इस पर क्लिक करो और जल्दी से फटाफट देख लो। मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।